आप सबको इन्फोटेक चैनल में स्वागत है। आज बिल्कुल मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कनई, कनवा, डेग, लग्गा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि पुराने ज़माने में जब कोई फिक्स माप नहीं हुआ करता था, चैन या फीता का प्रयोग नहीं होता था, तो लोग इसी माप से ही अपने खेत की पैमाइश करते थे। ये क्या है, बहुत पुरानी इकाई है खेत या ज़मीन नापने की। लोग कनई में, कनवा में, ये सब में ही लोग खेत नापा करते हैं। तो ये सब में आपस में क्या संबंध है, कितना कनई में एक कनवा होता है, कितना कनवा में एक डेग होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो व्यूअर्स में नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और दूसरे फ्रेंड को भी इसकी जानकारी को देना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ नए रिलेशन बताने वाला हूँ जिसे अभी तक किसी ने नहीं इसकी चर्चा की है। तो कनई एक माप की इकाई है, और इसका जो होता है 20 कनई बराबर एक कनवा होता है। ठीक है, 20 कनई में एक कनवा और 16 कनवा बराबर एक लग्गा होता है, और 1 लग्गा बराबर 3 डेग होते हैं। इस प्रकार का है इसका संबंध, 20 कनई में एक कनवा, 16 कनवा बराबर एक लग्गा, और एक लग्गा में क्या होता है, 3 डेग होता है। तो ये है आपस में इसकी तालमेल। अरे कोई खेत है, मैं उसकी बताता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। इस प्रकार का यदि कोई खेत है और इसको कनवा में नापा गया है, यदि मान लिया जाए कि ऊपर का जो है 640 कनवा है इसकी लंबाई, और नीचे की खेत का जो है 608 कनवा है, और जो पूरब की तरफ का जो ज़मीन है वो 592 कनवा है, और इधर पश्चिम में 560 कनवा है। तो इसको आप वर्ग लग्गा में कैसे निकालेंगे, इसको आपको क्या चीज़ में निकालना है, वर्ग लग्गा में निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, औसत लंबाई जैसे निकालते हैं निकालेंगे, औसत लंबाई
मतलब इसमें आमने सामने की जो लंबाई है जितनी भी भुजा हैं तो इसमें 640 और प्लस 608 हो जाते हैं, जितने लंबाई है संख्या एक और दो है, तो दो से इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कभी भी पूरे वीडियो आप देखें, बीच में नहीं छोड़ें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यदि कोई बता रहे हैं तो उसको समझना चाहिए, कुछ मिस्टेक है तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखें। 624 कणवा इसकी औसत लंबाई हो गई। इसी प्रकार औसत चौड़ाई इसकी खेत की, सेम इसको भी उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, 560 और प्लस 592 दो साइड से हैं, इसको हम लोग एवरेज के लिए दो से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 560 प्लस 592। फाइव सेवेंटी सिक्स कनवा। अब इसमें साथ में हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे, 624 कनवा आ गया, इसको हम अभी यहीं पे लग्गा में इसको बदल देंगे। तो लग्गा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 16 से भाग देंगे तो ये लग्गा में बदल जाएगा। 624 डिवाइड बाय 16, तो ये क्या हो गया, 39 लग्गा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि 16 से क्यों भाग दिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उनकी 16 कानवा बराबर एक लग्गा होता है, तो ये क्या है, 39 लग्गा होता है। लग्गा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक फिक्स लाठी रहती है बांस का जो बना होता है, इसके दोनों सिरों पे पित्तल का कैप बना हुआ रहता है क्योंकि घिसे नहीं, इसको सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार 576 कनवा को भी हम लोग चेंज कर देंगे लग्गा में, 576 को भी हम लोग 16 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो लग्गा में आएगा। ये आपका आ गया 36 लग्गा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इस प्रकार इस जो खेत हम लोग कनवा में जो पैमाइश किए हैं इसको हम लोग अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। औसत लंबाई को हम लोग क्या किए थे, पहले औसत निकाल कर 624 कणवा आया था, उसको हम 16 से भाग देकर लग्गा में बदल दिए, तो आया हमको 39 लग्गा। सेम चौड़ाई भी आया 36 लग्गा। अब इस दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 गुना 39, तो ये आ गया आपको 1404।
ये क्या हो गया वर्ग, क्योंकि यहाँ एक लग्गा, यहाँ एक लग्गा है, लग्गा गुणे लग्गा वर्ग लग्गा, यार लग्गा का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हम कणवा से माप करके उसको वर्ग लग्गा में इस खेत का पैमाइश किए। अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। 20 कनई बराबर एक कणवा होते हैं, 16 कणवा बराबर एक लग्गा होता है, और एक लग्गा में 3 डेग होते हैं। इसे आप नोट कर लें। कोई भी यदि खेत है उसको हम लोग 640 कणवा, एक ऊपर में है और नीचे में 608 कणवा, इधर 592, इधर 560, तो इसको लंबाई जो है उसको औसत बना लिए तो 624 कणवा आया, और दूसरा को 576 कणवा आया। अब इसको हम लोग लग्गा को यहीं, मतलब एक कणवा को यहीं पे लग्गा में कन्वर्ट कर दिए, यानी बदल दिए, तो 624 को 16 से भाग दे दिए तो 39 लग्गा आया, क्योंकि 16 कणवा बराबर एक लग्गा होता है, यानी लग्गा से का एक लग्गा बराबर 16 गुना जो है वो कणवा होता है, 16 कणवा बराबर एक लग्गा होता है। सेम उसको भी 576 कणवा को 16 से भाग दिए तो 36 लग्गा हुआ। अब इसको हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए, औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई कर लिए, 39 लग्गा गुने 36 लग्गा, तो ये हो गया 1404 वर्ग लग्गा। आशा करते हैं इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।